उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के बीच गठबंधन भले ही हो गया हो, लेकिन गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी की विधानसभा सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। इसमें मुख्य रूप से अमेठी की सीट पर मामला फंसा हुआ है। दरअसल पिछली बार इस सीट से सपा के उम्मीदवार गायत्री प्रसाद प्रजापति ने जीत हासिल की थी, तो इस बार भी सपा ने उन्हें ही सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस इससे काफी नाराज है। दरअसल कांग्रेस इस सीट पर अमेठी के राजा संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह को उतारना चाहती है। दूसरी तरफ अखिलेश किसी भी तरह से इस सीट को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा होने पर मुलायम सिंह यादव काफी नाराज हो सकते हैं और चुनाव के इस अहम पड़ाव पर अखिलेश अब किसी भी कीमत पर पिता मुलायम को नाराज नहीं करना चाहते। वैसे रायबरेली और अमेठी में कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार इनमें से 8 सीटों पर सपा ने और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। माना जा रहा है कि मोटे तौर पर इस बार दोनों दलों ने 5-5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। हालांकि सपा पूर्व में जीती अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहती थी, लेकिन गठबंधन के दबाव के चलते उसने समझौता किया। लेकिन अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस अड़ गई है और सपा उसकी बात मानती है तो उसे अपने मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को उस सीट से उतारने का फैसला वापस लेना होगा। तो गठबंधन के बावजूद अब अमेठी सीट पर पेच फंसा हुआ है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि अमेठी सीट पर कौन दावा ठोकेगा। देखते रहिए डीपी लाइव।